हेलो दोस्तों, नेशनल एक्टिविटीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास दोस्तों एक 4440 का डुअल चैनल में दोस्तों यहां पे एम्पलीफायर रखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें समस्या क्या बन रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर हमने जब दोस्तों इसे DC से कनेक्ट किया है तो 12 वोल्ट सप्लाई हमने जो है यहाँ पर जो है दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो इंडिकेटर दोस्तों ये पावर की, ये हमारे दोस्तों ये ग्लो कर रही है। बट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले में जो है बिल्कुल ही लाइट जो है नहीं आ रही है। इसमें जो समस्या बन रही है नो डिस्प्ले प्रॉब्लम की, तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्रेंड्स कि अगर इस तरह की समस्या किसी भी एम्पलीफायर में 4440 के हो, चाहे दोस्तों वो होम थिएटर हो, इस तरह की समस्या आती है तो दोस्तों आप उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और दोस्तों इस फॉल्ट को हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि ये फॉल्ट आई है तो आई कहाँ से है। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए, और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने को मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस एम्पलीफायर को हमें जो है खोलना पड़ेगा। तो आइए, यहाँ पर हम दो स्क्रूप यहाँ पर जो है दिया गया है बॉडी में, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है इस एम्पलीफायर का जो कवर है ये खोल लिया है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है इसमें एक स्पीकर का वायर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर हम चेक करेंगे दोस्तों ये IC जो है ये बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों इस तरह की समस्या अगर आती है दोस्तों होम थिएटर हो या एम्पलीफायर हो, यानी कि IC जब हमारी दोस्तों शॉर्ट हो जाती है तो उस क्रम में भी दोस्तों इस तरह की समस्या आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पैनल तक हमारी जो है 5 वोल्ट सप्लाई जो है नहीं जाएगी, तो उस क्रम में भी इस तरह की समस्या आएगी। और तीसरा, यहाँ पर जो है 1.7805 दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर लगाई जाती है, ये ट्रांजिस्टर तक हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है, बट यहाँ पे ये 5 वोल्ट आउट नहीं करेगा, तो इस क्रम में भी इस तरह की समस्या आपको जो है देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यही सब इसमें जो है समस्या आ सकती है, और इसी में से कोई एक जो है ये फॉल्ट हो सकता है। तो आइए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस किट को हमने जो है यहाँ पर ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें कि इस किट में जो वायर जो यहाँ पर पैनल की गई है ये हमारे जो है ये फिक्स है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैनल का जो वायर है दोस्तों, ग्राउंड का और ये 5 वोल्ट का, ये दोनों दोस्तों ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अभी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें दोस्तों सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे हम एक स्पीकर को कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ट्रैक करनी है कि इसमें समस्या बन रही है तो है कहाँ पर। सप्लाई जो है इस एम्पलीफायर में दे देनी है, तो यहाँ पर हमने जो है दे दिया, इंडिकेटर में दोस्तों ये ग्लो कर रहा है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर जो लगी है, यहाँ पर हमारा दोस्तों ये 12 वोल्ट सप्लाई जो है ये बन रही है कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारा माइनस होगा, ये हमारा प्लस होगा, तो यहाँ पे जो है इसे हमें DC 20 वोल्ट पे हमें जो है सेट कर लेनी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये माइनस है और यहाँ पे जो है प्लस होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मान यानी कि जो है 13 वोल्ट या के समथिंग जो है यहाँ पे 14 वोल्ट जो है बन रही है, यानी कि इस कैपेसिटर तक हमारा जो है सप्लाई जो है बिल्कुल आ रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो है किसी चीज़ लेना है, और यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम जो जाता है दोस्तों उस पर हमें देख लेना है कि वीडियो जो है ये बन रही है, यानी कि IC हमारा जो है वो सही है कि नहीं। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं ये IC दोस्तों यहाँ पे जो है हमिंग कर, यानी कि इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि IC हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। IC हमारा जो है यहाँ से IC की शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे जो है ये हमिंग बन रही है, आप सुन सकते हैं। तो IC की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे तीसरा हमें जो है चेक करना होता है कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो है 1.7805 यहाँ पे जो है यूज में लिया जाता है, जो हमारा जो है 12 वोल्ट से हमें जो है 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर पैनल पर देता है, और जब जाकर दोस्तों यहाँ पर ये पैनल जो है वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले चेक कर लेनी है दोस्तों कि इसमें जो है सप्लाई हमारे जो है ये आ रही है कि नहीं। यहाँ पे हमें जो है कहीं पर भी आप जो है ग्राउंड कर लें और देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 13 वोल्ट आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारा जो है सप्लाई जो है ये बन रही है, देख सकते हैं, यानी कि यहाँ तक सप्लाई हमारा जो है बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर हम आउट पर देख लेते हैं ये 5 वोल्ट सप्लाई जो है ये आउट कर रहा है कि नहीं। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये जो है पॉइंट में 6 या 7 जो है इस तरह से ये मतलब जो है ये आउट कर, यानी कि ये 5 वोल्ट दोस्तों ये किट ये ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों ये 5 वोल्ट हमारा जो है सप्लाई जो है ये आउट नहीं कर रहा है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है पैनल जो है ये चालू नहीं हो रहा है। जब तक हमारी पैनल को जो है 5 वोल्ट सप्लाई जो है नहीं आएगी, तब तक दोस्तों ये पैनल हमारा जो है ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस IC को, इस ट्रांजिस्टर को हम सबसे पहले यहाँ पर टच करके देखते हैं ये गर्म वर्म तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा जो है हीट हो रही है, ओवर हीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले सप्लाई जो है कट करनी है, यहाँ पे हमें जो है इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालना है, और यहाँ पे हमें दूसरा जो है 7805 जो है यहाँ पे लगाना है। आइए, यहाँ पे हम देखते हैं लगा के, और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो पैनल ये चालू होता है कि नहीं, क्योंकि कोई और जगह से फॉल्ट है। हाँ, हो सकता है कहीं से अगर प्रिंट हमारा जो है ये कट जाती है, उस वजह से भी दोस्तों इस तरह की समस्या आ जाती है। बट यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये पूरी तरह से बिल्कुल जो है हीट हो रही है।
यहाँ पे स्टैंड स्टोक हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है स्टैंड स्टोक को जो है बाहर निकाल लिया है। बट दोस्तों ये जो है काफ़ी ओवर हीट है, इतना हीट है दोस्तों कि यहाँ पे जो है ये हाथ ही पक गया इस जगह पे। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ये टर्निस्टर जो है ये हीट है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस टर्निस्टर को निकाल लिया दोस्तों, ये काफ़ी ओवर हीट था और जिस वजह दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे ये थोड़ा सा ये जल भी गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना जो है होते रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है एक टर्निस्टर जो है 7805 ले लिया। और फ्रेंड्स इसे लगाने से पहले आप जो है यहाँ पर देख लें, टर्निस्टर हमारी जो जिस तरह से लगी थी उसी तरह से आपको जो है लगानी है। यानी कि ये वाला भाग दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पहला लेग दोस्तों ये हमारा जो है यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई जो है यहाँ से इन होती है। बीच वाला दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है ग्राउंड होता है और लास्ट वाला यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट जो है सप्लाई ये आउट करता है। तो यहाँ पर आपको देख लेनी है, इस तरफ से आपको जो है मोड़ लेनी है और यहाँ पर देख लेना आपको जो है ये कैपेसिटर पर जो सप्लाई जाएगी दोस्तों प्लस वो हमारा जो है ये 12 वोल्ट की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला लेग, ये वाला दोस्तों यहाँ पर जो है 12 वोल्ट की है और ये बीच वाला ग्राउंड है और ये हमारा जो है ये 5 वोल्ट के लिए जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पैनल तक आ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस ट्रांजिस्टर को लेनी है और दोस्तों हमें जो है कुछ इस तरह से लगानी है यहाँ पे ये वाला इस तरह से। चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक हीट सिंक लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी दोस्तों ट्रांजिस्टर हीट होता है और हीट होने की वजह से दोस्तों इस तरह की समस्या जो है आ सकती है। तो आइए यहाँ पर हम दोस्तों इसे हम थोड़ा सा सोल्डिंग करके और इस लेग को काट लेंगे। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो है लेग पर अच्छी तरह से तीनों पर सोल्डिंग कर लेनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखें कि जो लेग जिस जगह पे प्रिंट है दोस्तों वहीं तक आपको जो है सोल्डरिंग रखना है, ज़्यादा जो है यानी कि ग्राउंड और 5 वोल्ट दोस्तों एक नहीं होना चाहिए और 12 वोल्ट और यहाँ पे हमारा जो है ग्राउंड जो है ये दोनों हमारा जो है एक नहीं होना चाहिए। दो तीनों का दोस्तों यहाँ पर जो है प्रिंट अलग अलग है और तीनों जो है एक साथ जो है यहाँ पर अटैच नहीं होना चाहिए। आप जो है उस तरह से सोल्डरिंग कर लें ध्यानपूर्वक से। चलिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं और इसका लेग ऊपर है दोस्तों एक्स्ट्रा, उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे सप्लाई देने से पहले हमें जो है 5 वोल्ट की जो सप्लाई है जाता है ये वायर, इसे हमें जो है खोल लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेग था उसे हमने जो है कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है एक हीट सिंक भी लगा लिया है ताकि ये हमारा जो है हीट को कैचअप करे और ट्रांजिस्टर हमारा दोस्तों वो ख़राब ना हो जल्दी। चलिए यहाँ पर हम दोस्तों इसे हम लेग को साफ कर लेते हैं और यहाँ पर हमने जो है 5 वोल्ट का जो सप्लाई अभी काटा हुआ है दोस्तों उसे हम लगाएंगे। पहले चेक करेंगे दोस्तों ये सप्लाई जो है सही दे रहा है कि नहीं, इसके बाद दोस्तों इस वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। 5 वोल्ट अगर सही निकाल रहेगा तो इसके बाद दोस्तों हम पैनल पे जो है इस पैनल का जो है सप्लाई देंगे। अगर नहीं निकाल रहा होगा दोस्तों तो अगर ज़्यादा निकलेगा तो हो सकता है दोस्तों कि इस सिचुएशन में पैनल भी ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो है सप्लाई दे दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम चेक करते हैं यहाँ पे जो पैनल पर ये वोल्टेज ये सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें जो है मीटर जो है दोस्तों को 20 वोल्ट पे DC रेंज में मुझे सेट कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक जो है मीटर का प्लग यहाँ पर ग्राउंड कर लें। तो यहाँ पर हमें जो है चेक करना है फ्रेंड्स यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट जो है पूरी तरह से ये आ गई है, यानी कि अब दोस्तों ये इसका वोल्टेज ये पूरी तरह से कंफर्म सही है। कि यहाँ पर हम इस पैनल का जो है वायर को जोड़ के देखते हैं यहाँ पे ये सप्लाई जो है ये आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब था तो हो सकता है पैनल भी ख़राब हो गया होगा। तो देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है इस ट्रांजिस्टर को लगा लिया है बट यहाँ पर अभी तक तो डिस्प्ले में दोस्तों ये लाइट जो है नहीं आई है। बट फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सप्लाई जो है इस डिस्प्ले में नहीं आई, हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे ये पैनल जो है ये ख़राब हो गया है। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे ट्रैक करके ये हम यहाँ पे दोस्तों ये वोल्टेज है ये आ रही है, वोल्टेज हमारा जो है यहाँ तक इस वायर पे आ रही होगी। तो यहाँ पर हमें इस पैनल को जो है चेंज करनी पड़ेगी। पैनल का दोस्तों वायर है यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है बट यहाँ पर जो है ये पैनल दोस्तों ये ऑन नहीं हो रही है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर पैनल को खोल के और चेक करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो है क्या समस्या बन रही है। इसका जो ये पैनल है दोस्तों ये ख़राब हो गया है। अगर पैनल ख़राब हो गई होगी दोस्तों तो हमें जो है पैनल को चेंज कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जब इस फ्रॉक को लगाया दोस्तों तो ये हमारा दोस्तों ये वायर उल्टा है तो इससे मुझे चेंज कर लेनी है वायर को। चलिए यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। तो अभी फ्रेंड तो ये दोस्तों बिल्कुल जो है सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोस्तों इसका जो है ये एडियो वाला जो है ये हम वायर तो यहाँ पर हम एडियो का जो है ये फ्रॉक लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम सप्लाई देंगे और देखते हैं दोस्तों ये जो है ये बचता है कि नहीं। फ्रेंड्स ये अगर चालू हो जाएगा तो हम इसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप सुन सकते हैं ये काम कर गया, यानी कि सप्लाई दोस्तों अब पूरी तरह से आ चुकी है। तो यहाँ पर हम म्यूजिक पे देख लेते हैं एक बार। Play by TF Card.
फ्रेंड्स अभी आपने सुना दोस्तों, ये जो है अभी पैनल में दोस्तों ये पूरी तरह से लाइट भी आ चुकी है और दोस्तों ये वर्क भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसकी जो समस्या थी दोस्तों ये 7805 से थी, जो कि हमारा दोस्तों ये शॉर्ट होके और यहाँ पे पैनल को भी ख़राब कर दिया, यानी कि वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे जो है ज़्यादा गया, इस वजह से दोस्तों ये पैनल भी ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स हमने जो है इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लिया, आपने दोस्तों सीखा भी, तो इस पैनल को यहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे, यानी कि यहाँ से हम नट खोल के यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो आप लोग को बहुत अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।